कुछ तो है जो दादी इतना डर गई थी। दादी के हाथ से आरती की थाली गिर गई थी ना, शायद उन्हें लगा हो कि अपशगुन हो गया। ऑलरेडी चाचू की बात को लेकर इतनी नाराज है वो, डर रही होगी कि और कोई मुसीबत ना हो जाए। मे बी, पर जितना मैं सोच रही हूँ ना इस बारे में। तुम प्लीज मत सोचो इस बारे में, वरना मुझे मुसीबत हो जाएगी। तुम्हारे लिए कैसे मुसीबत हो जाएगी? ऑफ कोर्स मेरे लिए मुसीबत होगी। तुम पूछती रहोगी कि मैं कौन हूँ, क्या कर रही हूँ, तो जवाब तो मुझे देना पड़ेगा ना। मैं पागल हो जाऊंगा। ते दुष्ट हो ना तुम। मन तो करे यहीं पर गोली मार दूं। I mean, तीर। नजरों की अदाओं के तीर चला चुके हैं। और कितने तीर मारूं? आगे तो आ भैया। अरे आप
माँ मैं जानता हूँ आपके मन में क्या चल रहा है, हवन वाले दिन से देख रहा हूँ आपको क्या परेशान कर रहा है मैं जानता हूँ, लेकिन माँ वो जो हुआ था वो बहुत बरस पहले हुआ था, उसे याद करके कोई फायदा नहीं है। अरे मेरी पूछ कहाँ है? अरे भैया आपकी पूछ तो लगी हुई है, अरे मेरा मुकुट कहाँ है? मुकुट तो लेके आओ वहाँ से। माँ जितना सोचेंगी जितनी चिंता करेंगी उतना लोगों को शक होगा, क्या जवाब देंगे लोगों को, कैसे छिपाएंगे वो बात जो बरसों तक इतने बरसों तक लोगों से छिपा के रखी है, वो बात जो अखिलेश स्वर्णा सुरेखा किसी को भी नहीं पता है। माँ औरों का तो फिर भी ठीक है, अखिलेश को क्या जवाब देंगे? क्या हुआ था तब जब वो हॉस्टल में था? अरे आप जो तैयार हो जाओ, क्या देख रहे हो? भाई साहब एक मिनट आप प्लीज शांत हो जाएंगे। ठीक है सॉरी भाई, चलो अरे चलो सब चलो अरे क्या कर रहे हो, चलो जल्दी। कार्तिक दादी अभी भी बहुत परेशान लग रही थी, क्या बात हुई होगी? पता नहीं, मैं पूछूंगा। चलो। नहीं अभी नहीं, रामलीला के बाद घर जाकर पूछेंगे। ओके, पर पक्का ना? हाँ पक्का, दोनों मिलकर पूछेंगे। ओके से दोनों बच्चे परेशान लग रहे हैं। इनके मुंह में लड्डू है? नहीं, गुलाब जामुन। ना, दही। ना, कचौरी। ना रे छोरी। तो क्या? गुस्सा। पाहे? पूछो इन्हीं से। पूछूं या बतलाऊं? बड़ी हूँ, कहो तो समझाऊं। समझाओ। बच्चे होते संग बड़ों के जैसन, बड़के भी बन जाते उनके संग वैसे। मतलब सीधी सीधी भाषा में समझाओ ना, टाइम कम है हमारे पास, रामलीला भी करनी है। तो चलो फिर रामलीला का उदाहरण देके ही समझाती हूँ। वक्त चाहे कोई भी रहा, जगह चाहे कोई भी रही, भाई भाई में लड़ाई, घर घर में फूट, गलत फहमिया, बंटवारे, ये तो होते ही आए, लेकिन फिर भी अपनों ने अपनों का साथ नहीं छोड़ा, और ना कभी ये देखा कि कौन बड़ा कौन छोटा। जिसको जब जिसकी जरूरत पड़ी उसने आवाज दी, और जब आवाज नहीं दी तो जिसको जब एहसास हुआ उसने उनकी मदद की। ऐसे मौकों पे बड़े जब छोटे बन जाते हैं तब छोटों को ही सारी जिम्मेदारियां लेनी पड़ती, छोटों को बड़ा बनना पड़ता है, क्योंकि फैमिली है तो हम हैं, और हम हैं तो फैमिली है। बिल्कुल सही कहा नायरा, मॉडर्न होने का मतलब फैमिली को इग्नोर करके सेल्फिश होना नहीं होता, बल्कि एक नए नजरिए से रिश्तों को देखना, उन्हें संभालना होता है। ये प्रॉब्लम्स तो हर किसी की लाइफ में आते हैं, लेकिन इन्हें रुकावट बना के लाइफ को रोक देना या फिर स्प्रिंग बोर्ड लगा के और ऊंचाई पर चले जाना, ये हम डिसाइड करते हैं, ना कि कोई और। अब मैं भी तो रूठ गया था पापा और माँ से, पर फिर तुम सब मना कर लाए थे ना मुझे, बस वैसे ही चाचू को भी मना कर ले आएंगे हम लोग। हाँ, और तुम जैसी यंग और स्मार्ट जनरेशन अगर कुछ डिसाइड कर लेती है ना तो वो करके ही रहती है, यही तो खूबी है हमारी आज की जनरेशन की। अपने बड़ों की गलतियों को भी जो सुधार दे, टूटे रिश्तों को फिर से जोड़ दे, गलत फहमियों को दूर कर दे, दिलों की दूरियों को कम कर दे, सबके मन में प्रेम की भावना भर दे, बस यही तो है आज की जनरेशन। और मुझे अपने लव कुश से पूरी उम्मीद। बोलो, करोगे ना भाभी की उम्मीद पूरी? वैसे इतने क्यूट वानर तो मैंने पहले कभी नहीं देखे। मुंह फुलाओ लेकिन सिर्फ स्टेज पर, रियल लाइफ में नहीं, रियल लाइफ में सिर्फ मुस्कुरा। ये रिश्ता क्या कहलाता है? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें
इंस्टा प्लस यूट्यूब पेज को।